आज का हमारा पाठ है पाठ चार, चांद से थोड़ी गप्पे। तो ये एक कविता है बच्चों, चलो इस कविता को पढ़ते हैं। यहाँ शुरू में ही लिखा हुआ है कि 10-11 साल की लड़की है। आप समझ सकते हैं 10-11 साल यानी आप ही की उम्र की लड़की है। वो चांद से थोड़ी गप्पे लड़ा रही है यानी चांद से कुछ बातें कर रही है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। कहती है गोल तो हैं आप खूब लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं। तो देखो चांद जो है कभी तो पूरा ही गोल नज़र आता है लेकिन कभी कभी तिरछा भी नज़र आता है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। वो कहती है कि आपने जो है ये पूरा आकाश जो है तारों से भरा हुआ है, ये कपड़ा पहन रखा है, इसको ओढ़ रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। सिर्फ अपना मुंह खोला हुआ है, ये देखो पिक्चर, गोरा चिट्टा गोल मटोल। कविता में आगे लिखा है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। लड़की कहती है कि आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं यानी चार सिमत यानी चारों दिशाओं में फैला रखा है और आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं। ये देखो जैसे चांद जो है हर 15 दिन में पूर्णिमा और अमावस्या आती है, तो कभी चांद कटा हुआ भी होता है, कभी आधा, फिर बढ़ता बढ़ता, तो चांद जो है कभी कभी तिरछा नज़र आता है। खूब है गोटी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। लड़की कह रही है 10-11 साल की जो लड़की है कि क्या आपने हमें बुद्धू समझा है, निरा बुद्धू, क्या मैं बुद्धू हूँ, हम समझते नहीं, जैसे कि आपको कोई बीमारी है। अब छोटा बच्चा छोटी लड़की 10-11 साल की क्या कह रही है कि आप क्या हमें बुद्धू समझते हैं, हमें मालूम है कि आपको बीमारी है। ये जो आप छोटा बड़ा हो जाते हैं, कभी तिरछा कभी गोल हो जाते हैं ना, आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। देखो जब चांद बढ़ना शुरू होता है थोड़ा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा, जब तक पूरा गोल यानी पूर्णिमा नहीं आ जाती, चांद का बढ़ना चालू रहता है बिल्कुल गोल होने तक। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। देखो यह मरज यानी ये जो आपकी बीमारी है घटने बढ़ने की, ये कभी सही नहीं होगा, आप हमेशा ही बीमार रहेंगे, मतलब कि ये प्रक्रिया हमेशा ही चलती रहेगी। इसका प्रश्न अभ्यास देखो, इसका पहला प्रश्न है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। बेटा उन्होंने पूछा कि आपने पूरा आकाश जो पहना हुआ है, पहना हुआ है, तो इन दोनों में से क्या सही हो सकता है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ और बैठा है या फिर चांद की पोशाक चार दिशाओं में फैली हुई है। आपने कविता में ही पहले ही पढ़ा था, इधर इधर देखो पहले ही पहले पेज पे कि आप पहने हुए हैं पूरा आकाश, मतलब कि इन्होंने पहना हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आपने जो है पहला चांद ने तारों से जड़ी हुई चादर को ओढ़ लिया है, पहन लिया है। ठीक है, तो आप किसको सही मानेंगे, क, क्यों मानेंगे, क्योंकि भाई उन्होंने ये जो कुल आकाश है तारों से जड़ा हुआ इसको पहन लिया है, जैसे कि कोई चादर ओढ़ ली हो। ठीक है, प्रश्न दो है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लड़ाई होगी, इस कविता में आई बातों की मदद से बताओ। अरे देखो कौन सा दिन हो रहा है, और कविता में क्या कहा है कि चांद पूरा गोल है यानी कि पूर्णिमा की बात हो रही है, और फिर यह भी बताया है कि तिरछा, तिरछे की भी बात हुई है, मतलब पूर्णिमा से 2 दिन पहले की भी बात हुई है। तो पूर्णिमा और अष्टमी, अष्ट ये वाला आंसर हो सकता है, देखो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच ही बातें हुई है। ठीक है ना, ये